अस्सलाम वालेकुम, जहाँ जेब है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर तीन टर्म्स आपकी नज़र से बार बार गुजरेगी, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल और एक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल डिफाइंड भी हैं सीआरपीसी के अंदर, कॉग्निजेंस एज सच डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो आपको सेक्शंस के अंदर मिलती है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डेफिनेशंस के अलावा आपको शेड्यूल टू के अंदर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिलती है। शेड्यूल टू सीआरपीसी के अंदर जिन ऑफेंसेस के आगे मे अरेस्ट विदाउट वारंट लिखा हुआ है, वो तमाम ऑफेंसेस कॉग्निजेबल डिक्लेयर्ड हैं। कॉग्निजेबल को उर्दू में काबिले दस्त अंदाजी पुलिस कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम ऑफेंसेस शेड्यूल टू के मुताबिक जिसके अंदर मे अरेस्ट विदाउट वारंट तहरीर कर दिया गया, उसके अंदर पुलिस को किसी से अरेस्ट करने की या इन्वेस्टिगेशन करने की किसी से ज़रूरत इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर पुलिस ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी को, ना ही अरेस्ट कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस उन ऑफेंसेस के अंदर मैजिस्ट्रेट से परमिशन सीख ना की जाए और वो उनको पुलिस को मिल ना जाए। और ऐसे ऑफेंसेस को शेड्यूल टू सीआरपीसी के अंदर शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसकी जो मिसाल है वो आपको 154 सीआरपीसी और 155 सीआरपीसी के अंदर मिलती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस को रिपोर्ट होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन की सूरत में, तो 154 ये कहता है कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा या ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा, वो उसको प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर के अंदर तहरीर करके उसको उस पर एक्ट करने का और उस पर फर्दर प्रोसीड करने का पाबंद होगा। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अगर वही इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस सूरत में 155 के तहत जो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर है उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और जो कंप्लेनेंट होगा उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि वो मैजिस्ट्रेट सा मुतलका जो इलाका मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश हो और वो उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट होगी उसको मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर देगा। इन सारी पोजीशंस के बाद जिस वक्त नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट या कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट 173 सीआरपीसी सबमिट होती है, तो उसके बाद कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंस का जो इस्टेब्लिश्ड मीनिंग है वो ये है कि जब भी कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करती है इनोसेंस या गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड डिटरमिन करने के लिए, तो उस प्रोसीजर को, उस तरीकाकार को कॉग्निजेंस कहा जाता है। अब कॉग्निजेंस ले कौन सकता है, किस जुर्म में ले सकता है, किस जुर्म में नहीं ले सकता, कौन सी कोर्ट ले सकती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर मैजिस्ट्रेट हर ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले ले, हर सेशन कोर्ट हर ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले ले। इसके लिए आपको जो सेक्शन 28 है वो आपको डिफाइन करता है कि कौन कौन सी कोर्ट जो है वो कौन कौन से ऑफेंस ट्राई कर सकती है। अब सीआरपीसी के मुताबिक जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं वो तीन किस्म की हैं, एक हाई कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, नंबर दो कोर्ट ऑफ सेशंस और नंबर तीन मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं। अगर आप सेक्शन 28 गो थ्रू करें तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो हाई कोर्ट है वो किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकती है और उसको ट्राई कर सकती है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाई कोर्ट के लिए। जैसा कि शेड्यूल टू के अंदर आपको मिलेगा कि ऑफेंसेस ट्राई करने की कैटेगरी को उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि ये कोर्ट ऑफ सेशंस इसको ट्राई कर सकती है या मैजिस्ट्रियल कोर्ट इसको डिफाइन कर सकती इसको ट्राई कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह
जो हाई कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस जो लॉ में प्रोवाइडेड है, चाहे वो डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या एक दिन की इम्प्रिजनमेंट हो, या फाइन हो, या दमान हो, या अर्श हो, जो भी लॉ में प्रोवाइड की गई है किसी भी लॉ में, वो हाई कोर्ट सेंटेंस भी पास कर सकती है। लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री देखी जाए तो बड़े कम केसेस ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कॉग्निजेंस लियो और केसेस को ट्राई किया जाए। इसी तरह दूसरी जो कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है कैटेगरी, वो कोर्ट ऑफ सेशंस है। कोर्ट ऑफ सेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही इस्टेब्लिश होती है, और हर सेशन डिवीजन के अंदर अगर आप सेक्शन 9(1) CRPC पढ़ें तो उसके अंदर डिफाइन किया गया कि हर कोर्ट जो हर सेशन डिवीजन डिक्लेयर होगा उसके अंदर सिर्फ एक कोर्ट ऑफ सेशंस होगी, और उसके बाद आपको सेक्शन 28 CRPC आज खुद ये बता रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ उन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती है जो ऑफेंसेस शेड्यूल 2 ऑफ CRPC के अंदर उनको इंट्रस्ट किए गए हैं। और इसी तरह जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर एक सेशन जज साहब होते हैं और एडिशनल सेशन जज साहबान होते हैं। ये सारे जो हैं ये भी लॉ के अंदर कोई भी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ अवार्ड कर सकते हैं, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है अगर वो अवार्ड की जाती है सेशन कोर्ट की जानिब से तो वो सिर्फ सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन होगी, जिसका प्रोसीजर इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, जो 374 से आई थिंक ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा ये सेक्शन जो 31(2) CRPC है, ये चीज़ उसके अंदर भी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि अगर डेथ सेंटेंस दी जाएगी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट कन्फर्म नहीं करती। इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको कॉग्निजेंस का बताया, कॉग्निजेंस 190 के अंदर तीन चार कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसके तहत कॉग्निजेंस ली जाती है, जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉग्निजेंस ली जाती है। सेशन कोर्ट जो है उसकी डायरेक्ट कॉग्निजेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स बार है। कॉग्निजेंस हमेशा लोअर कोर्ट लेती है, मैजिस्टेरियल कोर्ट लेती है और लेके उसको ट्रांसमिट करती है बिफोर द सेशन कोर्ट। और ये आपको जो 193 सेक्शन है उसके अंदर आपको CRPC का ही उसके अंदर आपको ये बार मिलेगा। और इसी तरह जो सेशन कोर्ट है सिर्फ उन केसेस के ऊपर ट्राई करेगी जो 193 CRPC के तहत उनको भेजे जाते हैं, मैजिस्टेरियल कोर्ट से ट्रांसमिट किए जाते हैं। अदर देन फ्यू केसेस लाइक अगर आप CRPC के अंदर ही देखेंगे तो आपको कोई इसके डेफेमेशन के, PPC के अंदर डेफेमेशन वगैरह के ऐसे सेक्शन है गालबन 500 है जिसके अंदर डायरेक्ट जो कंप्लेंट है वो बिफोर सेशन कोर्ट होगी। अदर देन डैट तमाम के अंदर डायरेक्ट कॉग्निजेंस बार है। इसी तरह आप सेक्शन 198A CRPC पढ़ें तो उसके तहत भी जो कंप्लेंट है वो भी ऐसे ही डायरेक्ट कॉग्निजेंस उस पर ली जा सकती है। अब जो एडिशनल सेशन कोर्ट हैं वो भी ऑब्वियसली सेशन कोर्ट है एडिशनल सेशन जज साहबान की, और वो सिर्फ वो काम करते हैं जो उनको सेशन कोर्ट सेशन जज साहब इंट्रस्ट करते हैं, और पावर्स उनकी भी वही हैं क्योंकि वो एडिशनल सेशन जजेस हैं। लेकिन जो उनकी वर्किंग ज्यूरिसडिक्शन है वो वही है जो सेशन कोर्ट की है। लास्टली फिर आपकी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स है, और मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं ये अपॉइंट होते हैं सेक्शन 12, सेक्शन 14 और सेक्शन 14A CRPC के तहत, और उनकी भी जो कॉग्निजेंस है और जो इनकी पावर है ट्राई करने की वो भी शेड्यूल 2 के अंदर आपको मिलती है, जो जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली मैजिस्टेरियल कोर्ट या लिखा हुआ पाएंगे, या कोर्ट ऑफ सेशंस और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वहाँ पे लिखा होगा तो वो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि जहाँ पे भी ऐसी टर्म यूज़ होगी कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वहाँ पे वो सारी ऑफेंसेस ट्राइएबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं। इसी तरह अगर आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो सेक्शन 30 आपको ये बताता है कि
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सेक्शन 30 की पावर्स इंट्रस्ट कर सकती हैं, और जब ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑफ पावर हो जाती है तो उससे ना सिर्फ शेड्यूल के मुताबिक वही सेक्शन 30 की जो कोर्ट है मैजिस्ट्रेट की वो कोर्ट ऑफ सेशंस भी कंसिडर होती है, लेकिन सिर्फ सेंटेंसिंग की आगे फिर बार आ जाती है, जो कि हम आगे अभी देखेंगे सेक्शन 34 और 35 के अंदर। लेकिन अगर आप इसका जो शेड्यूल देखेंगे तो उसके मुताबिक जो सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट हैं वो कोई भी जितना मर्जी फाइन जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है वो एक तो अवार्ड कर सकते हैं, और अगर वो इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो वो नोट एक्सीडिंग 7 ईयर्स तक दे सकते हैं, और इसके अलावा जो बाकी पनिशमेंट्स हैं लाइक अर्स्तमान और विपिंग टाइप, वो भी जो डिफाइंड हैं या उसका जो क्वांटम डिफाइंड है उसके मुताबिक वो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 वो अवार्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर वो फाइन करना चाहें किसी को तो उस सूरत में वो 45,000 मैक्सिमम फ़ाइन कर सकते हैं, और अगर इम्प्रिजनमेंट देना चाहें तो वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसी तरह उनकी पावर अर्श दमन और विपिंग की भी है। फिर आपके जो अब चूँकि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग हो चुकी है तो अब मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो हैं एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरपीसी के अंदर जो उनको डिफाइन किया गया उनकी पावर को उसके मुताबिक वो 15,000 रुपये तक जो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है 15,000 तक फाइन कर सकते हैं और 1 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और इसी तरह मैजिस्ट्रेट क्लास 3 जो हैं वो 3,000 रुपये तक फ़ाइन कर सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इन दोनों मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट क्लास 3 के पास अर्श दमान या विपिंग अवार्ड करने की पावर मौजूद नहीं है। अब आप अगर सेक्शन 34 देखेंगे सीआरपीसी का तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हैं वो कोई भी सज़ा दे सकते हैं एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस के, और यहाँ पे आके उनकी इम्प्रिजनमेंट को जो इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स तक। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि जो फाइन की पावर है वो भी आपको सेक्शन 33 और सेक्शन 32 सीआरपीसी के अंदर मिलेगी, इसके तहत वो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। तो इसके अलावा आपका फिर सेक्शन 35 सीआरपीसी आ जाता है जो कि आपको एक नया रूल दे रहा है। वो रूल ये है कि ये सारी जो सेंटेंसिंग है इसकी पावर तो शेड्यूल 2 के अंदर दी गई है और मुतलका जो भी इनेक्टमेंट होगी उसके पीनल क्लास के अंदर भी वो दी गई होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक शख्स अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है या कोई अक्रेंस कमिट करता है तो वो लाजमी नहीं है कि उसके अंदर वो एक ही ऑफेंस कमिट करे, हो सकता है एक सीक्वेंस के अंदर वो कई ज़्यादा ऑफेंसेस कर जाए। लाइक एक शख्स है वो घर से निकला, उसने रास्ते में एक बंदे से मोटरसाइकिल स्नैच कर ली, मोटरसाइकिल स्नैच करके वो चला गया किसी के घर, उसने हाउस ट्रेसपास कर दिया, हाउस ट्रेसपास करने के बाद वो वहाँ पे अंदर जाता और किसी शख्स को कोई खंजर से इंजरी काज कर देता, उसके बाद वो उसी घर के लॉक तोड़ देता और लॉक तोड़ के वहाँ से ज्वेलरी गायब कर लेता। तो आप ये अक्रेंस देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि 4-5 डिफरेंट ऑफेंसेस किए गए, लाइक उसने मोटरसाइकिल स्नैच की 392 PPC लग गया, उसने हाउस ट्रेसपास किया उस पर 452 PPC लग गया, उसने किसी को खंजर से इंजरी काज की तो जो भी इंजरी डिक्लेयर हुई वो अलग हर्ट उसने काज किया, फिर उसने डवेलिंग हाउस के अंदर किसी से वो ज्वेलरी चोरी कर ली तो ये अब उसने ज्वेलरी अलग ऑफेंस कमिट किया। तो अब जिस वक्त भी सेंटेंसिंग होगी तो हो सकता है कि उस पे सारे जुर्म साबित हो जाएं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सारे जुर्म साबित हो गए तो क्या
जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनकी लिमिट वही 3 साल तक ही रहेगी या 7 साल तक रहेगी? इसके लिए जो आपका कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए वो ये है कि लॉ प्रोवाइड करता है दो टाइप की सेंटेंसेस, एक है कंकरेंट, एक है कंजेक्टिव। कंकरेंट का मतलब ये है कि जितने भी ऑफेंसेस के अंदर सज़ा दी गई, क्या जज साहब उन सारी सेंटेंसेस को एक ही दिन शुरू करना चाहते हैं और एक ही दिन ख़त्म करना चाहते हैं, या कंजेक्टिव का मतलब ये है कि एक सज़ा के बाद दूसरी सज़ा शुरू हो। आपने अक्सर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा, कहा जाता है कि एक शख्स को 7 दफ़ा सज़ाए मौत हो गई और 135 साल सज़ा हो गई। अब 135 साल सज़ा ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कैसे हो गई। तो बाज़ दफ़ा तो हर ऑफेंस के अंदर कंकरेंट सज़ा दी जाती है, फ़र्ज़ करें इन्हीं 4 जुर्मों में उसको कंकरेंट सज़ा हो गई, उसको मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 ने जो 392 है उसमें 3 साल सज़ा दे दी, उसको 452 PPC के अंदर 3 साल सज़ा दे दी, उसको इंजरी काज करने के अंदर 1 साल सज़ा दे दी, उसको ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट के अंदर 1 साल सज़ा दे दी। अब ये बनती है 3 जमा 3 जमा 1 जमा 3, मतलब 6, 7 और 10 साल। अब फ़र्ज़ करें कि मैजिस्ट्रेट साहब एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन ये हुक्म कर देते हैं कि ये सारी कंकरेंट चलेंगी, तो इसका मतलब है कि ये 3 साल बाद सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक साथ चली एक साथ ख़त्म हो गई, और 1 साल वाली भी इसके अंदर खुद ही कवर होगी। लेकिन अगर ये अवॉर्ड कर दी जाए कंजेक्टिव, तो इसका मतलब ये होगा कि 392 की जिस दिन 3 साल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 452 की 3 साल शुरू होगी, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद 1 साल वाली शुरू होगी, फिर जिस दिन वो ख़त्म होगी फिर 3 साल बाद शुरू होगी। तो इस तरह वो कंजेकेटिवली 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट उसके अंदर वो जो है एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। तो जो सेक्शन 35 है वो रेड विथ 397 CRPC आप पढ़ेंगे, तो इन दोनों में ये जो है कंजेक्टिव और कंकरेंट का कंसेप्ट दिया गया है। और ये भी इन दोनों में क्लियर है कि अगर जजमेंट इस मामले में खामोश रहती है कि सज़ा कंकरेंट है या कंजेक्टिव, तो ये ऐसा ही समझा जाएगा कि ये कंजेक्टिव दी गई है। तो कंकरेंट करने के लिए लिखा जाना ज़रूरी है, अगर कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है कि वो सज़ा कंजेक्टिव कंसिडर होगी। लेकिन सेक्शन 35 इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो रिस्ट्रिक्ट ये करता है कि बेशक ओरिजिनल जो सेंटेंसिंग पावर है वो तो 3 साल और 7 साल ही है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के अंदर अगर कंजेक्टिव सज़ा दी जाती है और एग्रीगेट पनिशमेंट सेवरल ऑफेंसेस की बन जाती है, तो उसके अंदर फिर आपको जो प्रोविजो क्लाज है उसके अंदर मिलता है कि ऐसी कोई सज़ा 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने 10 ऑफेंसेस के अंदर उसको सज़ा दे दी है तो वो जो है 70 साल बन जाती है। वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है एक क्लॉज सेक्शन 35A जिसको पढ़ा जाएगा कि वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह सेक्शन जो बी है वो कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट की जो अपनी ओरिजिनल पावर है उससे 2 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ही कैन अवॉर्ड ओनली इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, तो अगर कंजेक्टिव भी करेंगे तो वो डबल जो है ट्वाइस से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। मतलब कंजेक्टिव भी होगी तो मैक्सिमम 6 साल तक वो उसको कंसिडर 6 साल तक उसको कंजेक्टिव अवॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन इस बात से जो एपलेट कोर्ट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उसको सेम सेंटेंस ही कंसिडर करेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइलिंग डेट अपील। तो ये आपकी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं और कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंसेप्ट है, और ये कि कितनी क्रिमिनल कोर्ट्स इन सारे ऑफेंसेस को ट्राई कर सकती हैं।